शहर के छावनी रोड पर एक ऑटो पार्ट्स की दुकान में रविवार रात को अचानक दुकान के विद्युत मीटर के बोर्ड में शॉर्ट सर्किट हो जाने के कारण आग लग गई, जिसके कारण कुछ देर में ही आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इस दौरान वहां से गुजर रही एक व्यक्ति की नजर आग की लपटों पर गई, जिसके बाद उसने तुरंत दमकल को आग लगने की सूचना दी और दुकान मालिक को भी घटना की सूचना दी। आग रिहायशी इलाके में लगने के कारण क्षेत्रवासियों में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलने पर तुरंत दमकल कर्मियों ने दमकल वाहन के साथ मौके पर पहुंचकर करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तब तक दुकान में रखा करीब 5 लाख रुपए कीमत का सामान जलकर राख हो गया। आग काबू में आने पर क्षेत्र के निवासियों ने भी चैन की सांस ली। जानकारी मुताबिक सुरेश भार्गव की छावनी रोड पर जगदम्बे टेम्पो ऑटो पार्ट्स के नाम से दुकान है। रविवार रात को वह दुकान बंद करके घर चला गया। इस दौरान रात करीब 10:15 बजे उसकी दुकान में विद्युत मीटर बोर्ड में अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया, जिसके कारण दुकान में रखे टायरों ने आग पकड़ ली। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इस दौरान वहां से गुजर रहा छावनी निवासी लाला दग्दी की नजर दुकान में लगी आग पर पड़ी। उसने तुरंत घटना की सूचना अग्निशमन विभाग को दी, साथ ही दुकान मालिक सुरेश भार्गव को भी उसकी दुकान में आग लगने की सूचना दी। घटना की सूचना मिलने के बाद दमकल कर्मी जमील रहमान, नरेश कुमार, लखविंदर सिंह तथा कमल दमकल वाहन के साथ मौके पर पहुंचे तथा करीब आधे घंटे तक कड़ी मशक्कत कर आग बुझाई, लेकिन तब तक दुकान में रखा 5 लाख रुपए का माल आग की भेंट चढ़ गया।